श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति में अगस्त 2020 से लेकर अब तक 9 अधिकारियों के पास विकास अधिकारी का कार्यभार रहा, लेकिन जनता विकास के लिए आज भी तरस रही है। हालात ये है कि जब तक विकास अधिकारी मैपिंग के लिए जाते हैं, उससे पहले ही उसे चार्ज वापस लेने किसी और को दे दिया जाता है। तबादलों से जनता का विकास भी प्रभावित होता है, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने को इस पर तैयार नहीं। श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति, जी हाँ, नाम बहुत बड़ा है लेकिन आमजन आज भी परेशान है। श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति में 7 महीने के अंदर 9 विकास अधिकारियों के पास चार्ज रहा है, या IAS अधिकारी से लेकर RAS अधिकारी, इसके अलावा या जो सहायक अभियंता है उनके पास भी चार्ज रहा है। लगातार अधिकारियों के तबादले, चार्ज बदला जा रहा है, कभी किसी को चार्ज दिया जा रहा है, कभी किसी को दिया जा रहा है। ये विडंबना ही रहेगी कि आम जन है वो काफ़ी समय से परेशान है, लेकिन उनकी समस्याओं पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लगातार जो परेशानियाँ वो सामने आ रही है, यहाँ राजस्थान के टॉप IAS कनिष्ठ कटारिया भी यहाँ पे रह चुके हैं, जिनके पास वीडियो का चार्ज रहा था। वहीं श्री डूंगरगढ़ उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिव्या के पास तीसरी बार चार्ज यहाँ डूंगरगढ़ के अंदर दिया गया है। यूँ कहे तो राजनीति इस तरह से हावी हो चुकी है कि यहाँ अधिकारियों को काम बिल्कुल भी नहीं करने दिया जा रहा है। बार बार अधिकारी बदले जा रहे हैं, अधिकारियों के बदलने के कारण ही आम जनता सबसे ज़्यादा परेशान है। चाहे राशन कार्ड का काम हो, चाहे जो आम जनता से जुड़े हुए पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन सहित किसी भी तरह का काम हो, वो कोई भी काम होगा वो पंचायत समिति के अंदर विकास अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से होगा, लेकिन जब तक उसकी ID मैप की जाती है उससे पहले ही उससे चार्ज वापस ले लिया जाता है। किसी के पास 6 दिन, किसी के पास 15 दिन, हालात यह है कि किसी के पास 1 दिन का भी चार्ज रहा है। हालात इस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं कि यहाँ कोई देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन जनता फिर भी परेशान है। कैलाश राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, श्री डूंगरगढ़।